बाइक दिखा रहे हैं जो कि गाइया कंपनी के नाम से, दिस इज द गाइया, दिस इज स्मार्ट बाइक विच यू कैन सी फ्रॉम हियर। बाइक इज़ वेरी गुड, प्रीटी स्मार्ट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये भी। सी द लुक इज़ वेरी गुड, इज अ वेरी गुड लुक। एंड दे ऑल्सो हैव स्कूटर्स फ्रॉम गाइया। दीज स्कूटर आई फाइंड अमंग, यहाँ पे मैंने जो स्कूटर देखे उन्हें मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ये स्कूटर और भी बहुत अच्छे हैं लेकिन ये वाले काफ़ी अच्छे। सी द कलर्स एंड द वाइब्रेंसी एंड ऑल दिस द वेरी गुड। तो आई थिंक गाइया इज गोइंग टू मेक अ मार्क इन द मार्केट लगता है मेरे को। 85,000 तक मतलब दैट स्कूटर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विल स्टार्ट फ्रॉम 55,000 टू 85,000 के आसपास। फ्रॉम द बैटरी यू यूज, ओके, इफ यू आर यूजिंग लेड एसिड बैटरी देन द चार्ज विल बी 55,000 एंड इफ यू आर यूजिंग द एलएफपी बैटरी, एलएफपी इज लिथियम फेरोफॉस्फेट, लिथियम हां, इफ यू विल यूज दैट बैटरी देन द कॉस्ट विल बी हाई अबाउट 15,000। तो बैटरी तो लिथियम वाली ही रहेगी। यस सर, देयर आर टू टाइप ऑफ। तो फिर आपने आई मीन आपकी कंपनी ने ऐसा ऑप्शन क्यों रखा लेड वाला और लिथियम वाला, जस्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट? जस्ट अ कस्टम, इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर डिमांड। लाइक मेनी पीपल प्रेफर lead acid because of the cost, as the cost of the LFP is 12 to 13,000 higher than the lead acid. Lithium is a costly lithium bike. Lithium is higher. हाँ, costly bike. 13,000 approximately. Yeah, so the people prefer. But हमको लगता है जैसे कोई अगर गाड़ी खरीदता है तो 13,000 रुपए में ज़्यादा मैटर तो नहीं करता होगा उसको। नहीं सर, एग्जैक्टली यही चीज़ को हम लोग कस्टमर को बेसिकली समझाना चाहते हैं। हाँ हाँ, आप आज ये गाड़ी लेड एसिड मेरे से परचेस कर लिए। हाँ हाँ, ठीक है। आज हम ये गाड़ी लेड एसिड ले रहे हैं, भले ही ये मुझे 13,000 कम पर मिले। हाँ, आप ये देखिए, अगर हम LFP लेते हैं, LFP लेंगे हमें वारंटी मिलेगी 3 साल की। तीन साल को आप 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 39,000 ये गाड़ी आपको कितने मिली है विद LFP? बहुत अच्छी लगी मुझे। आई फाइंड दैट दीज व्हीकल्स आर वेरी स्मार्ट। थैंक यू कंपैरेटिवली ये गाया, दिस इज अ इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी? दिस इज अ इंडियन कंपनी। कहां की? मींस होता है सर, गॉडेस ऑफ अर्थ। अच्छा, गॉडेस ऑफ अर्थ, ओके, धरती की देवी, ओके। और हमारी कंपनी है टीआरबी ग्रुप इज फ्रॉम 1966। अच्छा, एंड वी वर द मैन्युफैक्चरर इन द मैन्युफैक्चरर बाइसिकल द बाइसिकल पार्ट। अच्छा, वी स्टिल वी आर नाउ, ओके, एंड वी हैव फैक्ट्रीज इन 7 टू 8 डिफरेंट कंट्रीज। तो अब हम आपसे ये पूछेंगे कि इसमें आपकी बुकिंग अमाउंट कितना है और बुकिंग टाइम कितना है? सर, ये आप जिस दिन बुक कीजिएगा वो डिपेंड करता है हमारे अवेलेबिलिटी पे। हम लोग मैक्स टू मैक्स लेंगे 3 to 4 डेज, उसके बाद वो आपके पास। अच्छा, तो आपकी जो लिथियम वाली बैटरी है, जो मैक्सिमम वाली है, मतलब जो हाईएस्ट रेंज की है, उसमें ये वन चार्जिंग में कितने किलोमीटर चल जाएगा? ये 60 to 70 किलोमीटर के रेंज में जाएगा। किलोमीटर और स्पीड दे देगा हमको? स्पीड हमारी ये लो स्पीड में तो 25 का स्पीड है। लोएस्ट स्पीड, हाईएस्ट स्पीड होती है अबव 70-80 तक हो जाती है। मतलब आपका ब्रोशर बोलता है, आपका ये आइडियल बोलता है या ऐसे ही? नहीं, ये है आइडियल। अच्छा, ओके। और सर एक चीज ऐड करूंगा, जैसे लिथियम ना दो तरह की होती है, एक होती है NMC, एनिस निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट, एक होती है LFP, लिथियम फेरोफॉस्फेट। LFP इज बेटर देन NMC एंड वी आर नॉट यूजिंग NMC एट ऑल, ओके, बिकॉज़ देयर वेयर द स्लाइट चांसेस ऑफ फायर कैचिंग इन LFP। तो आपने इसको लॉन्च कब किया? ये हमारी लॉन्च हुई है कुछ टाइम ही पहले लॉन्च हुई। अच्छा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहाँ है? लुधियाना में है। अच्छा, वी हैव आवर ओन असेंबली लाइन, वी हैव आवर ओन प्रोडक्शन लाइन, वी हैव अ गुड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे भी लगती है सारे के कंपैरिजन में, कि हमारी सर्विस काफ़ी अच्छी है। अच्छा, काफ़ी नहीं, हमको तो आपकी मतलब पूरा हम घूम के आए, हमें तो वी आर हेयर एट द मंत्रा बाइक्स। ई बाइक्स, मंत्रा बाइक्स इज ऑल्सो स्मार्ट वन। सी द स्कूटर इज वेरी नाइस, इज ऑल्सो स्मार्ट वन। मैडम, एनी आइडिया अबाउट द कॉस्ट ऑफ दिस? कॉस्ट इज इसकी 54,800 रेंज। हाँ जी, 54,800। बड़ी सस्ती है मैडम? सस्ती है, इलेक्ट्रिक वाली है, मतलब और हम देख के आ रहे हैं 75 से नीचे तो बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, लिथियम वाली है, ओके। ये लेड एसिड में बताइए सर। ओ, लिथियम बताइए। लिथियम कितनी पड़ेगी सर? लिथियम ये है 70,000। हाँ, वही है फिर इसका मतलब। नहीं, स्मार्ट गाड़ी है ये भी। तो ये आपकी सारी उसी रेंज के आसपास है या थोड़ी महंगी महंगी भी है? नहीं, मतलब महंगी वाली में इधर ही रेंज है। इसका ब्रोशर हमें दे दीजिए आप। दिस इज ऑल्सो बैटरी का चक्कर है सारा, एक लिथियम बैटरी है और एक मतलब बैटरी का चक्कर है। हाँ जी, अगर बैटरी आपकी जो लिथियम वाली है वो सस्ती है, वो महंगी, सॉरी उल्टा बोल गया, लेड एसिड वाली सस्ती है। ठीक, ये दूसरा जो है आप देख रहे हैं ज़ेलियो, ये ज़ेलियो कंपनी का है। इनके भी देखिए मोबाइक्स हैं, ये भी बड़ी स्मार्ट बाइक्स हैं इनके, और इनके पास भी स्कूटर्स हैं एंड दी स्कूटर्स आर ऑल्सो हेयर। ये इनके ज़ेलियो के स्कूटर हैं विद द गार्डन, और दूसरे स्कूटर उनके उधर पड़े हैं।
ये देखिए जेलो के दो स्कूटर्स पड़े हैं, ये वाइट वाला बड़ा ही स्मार्ट है सी, एंड दूसरे वाले भी हैं, और वो जो इनका क्रेसी प्रो वाला लिखा हुआ है लास्ट वाला, दैट इज मोस्ट स्मार्ट, स्मार्ट वन क्रेसी प्रो वाइट वन, एंड दिस इज ऑल्सो ऑल आवर स्मार्ट वन. This is the other one which we are here. This is by the name of Maxim e-vehicle. By the name of Maxim e-vehicle. You can see Maxim e-vehicle's name. And series vehicles. Also very nice. The must vehicles which we are over here. Go electric. These are Maxim wale ke hain. See the Maxim one. The Maxim one. Sprint view. This is also for disabled walon ke liye bhi hai. It's a good one. निंजा वालों का है नाइक ई बाइक्स फ्रॉम एंगिटान इलेक्ट्रिक बाइक प्राइवेट लिमिटेड. तो वही कंटिन्यू कर रहा हूँ एन के ई बाइक्स का. तो इसमें भी अच्छे हैं क्लासिक प्रो और स्मार्ट वन, स्मार्ट वन विच भी है निंजा टू निंजा वन. किस रेंज में ऐड करिए, किस रेंज में होंगे सर? 55 से लेकर है. डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी, बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है. लिथियम वाली है कि आप? हाँ हाँ लिथियम एंड लीड एसिड, जो प्राइस बताओ लीड एसिड का प्राइस. अच्छा चलिए ठीक है. तो किलोमीटर उतना ही है, मतलब 55 से लेकर 70-80 के बीच में है सब रेंज कर रहे हैं आजकल सारे स्कूटर ऐसे हमने जितने देखे अभी आपके इसमें हॉल में ऑलमोस्ट 75-80 के आसपास ही. सर कैसे बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं मेरा मतलब कि रेंज सबकी मोटा मोटी वही चल रही है अभी. आप वो वाला लोगे ना? कौन सा? ये वाला. उसका सर सपोज आपने इको मोड पे चलाया हाँ, तो 120 का भी एवरेज जितेगा. अच्छा ओके. हैंडल पे पर आप सीधा स्ट्रेट चलाओ या फिर एक ही मोड पे चलाओ. और इनकी बैटरीज जो है वो 5-5 साल चल जाएंगी? हाँ सर. और एक बैटरी की कॉस्ट अराउंड 40,000 के आसपास? 40,000 के. ये सर बड़ा वाला बैटरी, इसके 40,000 कितना? 30,000 तक जाते हैं. ये 30,000 तक जाएगा इसका बैटरी? अच्छा नहीं आजकल इसका बहुत डिमांड. अच्छा है, वेरी गुड. आपने लिया स्कूटर की? नहीं सर मेरा खुद का शोरूम है. अरे वाह, बढ़िया मार्केट होने वाला है और बहुत चलेगा ये. पहले सर हमारा कैसा था, पहले तो इतना नहीं था, जब से हमारा कंपनी स्टार्ट हुआ ना उतना नहीं था. अभी हमारा महीने में कुछ 5,000+ गाड़ी सेल होता है. अरे बाप रे. कंपनी से क्योंकि हमारा गुजरात में डीलर है, यूपी में, एमपी में, महाराष्ट्र में 200+ है, कर्नाटका में, तेलुगु में. अच्छा नागपुर में है कि नहीं? नागपुर में भी ऐसे है. तो डीलरशिप के लिए क्या करना पड़ता है? सौरभ से बात करनी पड़ेगी. अच्छा चलिए बात करेंगे. ये भी एक अच्छा ब्रांड है डायनामो के नाम से, एंड यू सी ये भी अच्छे चल रहे हैं स्कूटर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इनके पास मोबाइल्स भी हैं उधर, मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ अभी. ये देखिए ये डायनामो वालों की मोबाइल भी है, स्मार्ट मोबाइल करते हैं. अच्छी मोबाइल स्मार्ट है इनकी, गुड वन. स्कूटर भी है तो मोबाइल्स जो हैं जनरली कम ही अच्छी देखने को मिल रही हैं, लेकिन मोबाइल्स भी हैं यहाँ पर, तो जिनके पास हैं अच्छी हैं तो स्मार्ट मोबाइल. ये एक दूसरा और है फिटस इलेक्ट्रिक, इनके भी अच्छे आप देखेंगे स्कूटर्स पड़े हुए हैं. सो स्कूटर्स की तो यहाँ पे आप देखेंगे तो भरमार है, एंड मोस्ट ऑफ द स्कूटर्स जो मैंने देखा वो दे आर रेंजिंग फ्रॉम 55 से लेके 1,00,000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन दी बैटरी कि लेड एसिड बैटरी है कि लिथियम वाली बैटरी है. लिथियम वाली बैटरी इज़ थोड़ा सा महंगी, एंड लेड एसिड वाली इज़ थोड़ी सी सस्ती, तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है. आप ये देखिए ये भी फिटस वालों का ही स्कूटर है. जोमेटो वाला यूज़ करते हैं, जोमेटो वाले है ना जॉय ई बाइक, तो उनकी बाइकें भी कुछ इस तरह की है जोमेटो वालों की. देखो जो लेके घूमते रहे, नहीं सॉरी दिस इज़ आई थिंक स्पेशल बाइक, ये एक स्पेशल बाइक है बिकॉज दिस इज गॉट 3 पहिया, तो ये एक स्पेशल बाइक है यहाँ पे, अलग किस्म की है. ये हैं वो बाइसिकल्स जो कि इलेक्ट्रिक वाली हैं, है ना, मतलब ये बाइसिकल है. यू कैन सी दीज आर बाइसिकल्स, दीज आर नॉट स्कूटर्स और मोबाइल्स, बट दीज आर बाइसिकल्स और ये भी इलेक्ट्रिक बाइक. इनकी बहुत अच्छी है क्योंकि आप घर के जो एरेंड्स हैं अगर आपको करने पड़े एवरी डे के तो यू कैन चार्ज दिस, है ना, इज वेरी गुड ऑल्सो. एक नया कॉन्सेप्ट है ये भी, अच्छा है. देखिए मोटो मोबिलिटी के नाम से है ये मोबाइल, सब स्मार्ट है, तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मेरे को ये. तो ये हमारी मॉडल खड़ी है सामने, आप देखिए ये मॉडल ने हमको साइकिलिंग का दिखा रही है अपना कि हम साइकिलिंग वाली करना चाहते हैं, तो हमने इस मॉडल को भी ले लिया है इस ब्लॉग में. जस्ट टू अपडेट यू. जी जी जी. This is more a lifestyle utility vehicle. बिल्कुल like you have a car,
you know, you want to go right. I want to a small errands, of course. And the charging is normal. तो ये जो हमने कवर किया, ये बाइसाइकिल जो है, इनका कहना ये है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक जगह लेके रखें, आप इवन प्लेस इट समवेयर एल्स इफ़ यू वांट, जस्ट दो तीन चार साइकिल रख दीजिए एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस आल्सो। जो भी ऑर्डर होंगे वो डायरेक्टली वहाँ शिफ्ट कर देंगे बाय द इनवॉइस ऑफ द पर्सन कंसर्न, जो भी इसको सेल ऑफ करता है। तो दिस इज़ वेरी नाइस वेंचर एंड स्मॉल वेंचर एंड वेरी गुड वेंचर। सो द गाय इज़ यूजिंग इट। ये अब हम आ गए हैं ओडेसी पे। ओडेसी इनकी मोबाइल्स भी हैं, इनके पास दूसरे टाइप के बाइक्स भी हैं, छोटी वाली भी हैं, ये सब इनके हैं। सो हमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा एंड सी दिस इज़ द स्मॉल शॉप ऑफ क्रिस्टल। यहाँ पर जो है लीजेंड्स एंड द नाइन डेट लाइट्स द नेशन, यहाँ पे लाइट्स ही हैं। सो दे हैव गॉट लाइट्स ऑफ ऑल द टाइप्स एंड दिस इज़ वेरी गुड। सी मस्त आर लैम्प्स आर अप्रूव्ड बाय आई कैट ARI, है ना। लाइट बड़ी चाहिए, ऑल गुड वंस हैं, स्मार्ट। सी दीज आर द लाइट्स विच आर ऑन द स्कूटर ऑल्सो। ये देखिए, ये स्कूटर से भी लाइट लगा सकते हैं। ये स्कूटर के साइड्स हैं जिसके लाइट्स, ये सामने का स्कूटर पोर्शन है, लाइट लगा सकते हैं। बियॉन्ड इमेजिनेशन KKLights.com। You can see this tomorrow also. It's very encouraging to see that the cost of the electric scooter has gone down. मतलब पहले जो 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के मिलते थे, अब वो स्कूटर जो है वो 55,000 से स्टार्ट होने लगे, डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी। सो आप भी आइए और इन्जॉय कीजिए। तो फाइनली वी आर आउट ऑफ दी एरिया। बाहर आप देख रहे हैं यहाँ पे राइड्स चल रही हैं, टेस्ट राइड्स, और धूप थोड़ी ज़्यादा है इसलिए हमने इसको अवॉइड कर दिया, बट लोग खूब टेस्ट राइड्स कर रहे हैं यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम और अब हम निकल रहे हैं वापस। दोपहर के बजने करीब 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इस ब्लॉग को ज़रूर आगे पास ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिले और इस तरह से इलेक्ट्रिक और ग्रीन दोनों चीज़ें, इनका जो है प्रोत्साहन मिले लोगों को और हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो और इसको डेवलप अच्छा किया जाए। सो ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे ब्लॉग को करते हैं ख़त्म और उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे स्कूटर्स के बारे में और मोबाइल्स भी थी और बैटरीज भी थी, कुछ कन्वर्टेबल गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ जिनको कन्वर्ट करना हो आपने अगर इलेक्ट्रिक में फ्रॉम पेट्रोल, स्कूटर्स वो भी यहाँ पे ऑप्शन था, बैटरीज के सिस्टम्स थे, लाइटिंग के अरेंजमेंट्स थे एंड साइकिल्स थी जो कि ना तो साइकिल थी ना वो मोबाइल थी, दोनों बीच की थी वो भी थी। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी जानकारी थी, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इसको प्रमोट कीजिए और इस ब्लॉग को आपको अच्छा लगा जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले और बहुत अच्छा इसके ऊपर यूज़ करें और इसको इस्तेमाल करें।